दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आपके लिए क्लास लाई जाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जाते हैं। आज का अपना यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, सभी के लिए हिंदी साहित्य में टॉप 3000 प्रश्न की PDF लाए हैं, जिनके लिए भी चाहिए मात्र 199 रुपये में आप परचेस कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, संपर्क कर लें। शत्रु मेरा बन गया है, छल रहित व्यवहार मेरा, उक्त पंक्ति किस कृति से ली गई है? वह कृति आप सभी के लिए चयन करना है, कौन सी वह कृति है? मधुशाला है, मधुबाला है, पलाशवन है, मधुकलश है, चयन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 414 वह क्वेश्चन दिया गया है और 414 में आप सभी का सही आंसर है मधुकलश, विकल्प नंबर डी वाला जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, मधुकलश आप सभी का सही आंसर है। सूर्य बने साधु का विक्रेता, सिंधु बने घट जलहाला, ये जो है मधुशाला की पंक्ति है। बस एक बार पूछा जाता है यदि अमृत से पढ़ता पाला, ये मधुबाला की पंक्ति है। हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं मानी जाती है। हिंदी काव्य खालिस्तान वांचलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? रामेश्वर शुक्लंचल है, हरिवंश राय बच्चन है, सुमित्रानंदन पंत हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, कौन हैं? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 15 दिया गया है और 15 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? हिंदी काव्य खालिस्तान मांचलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो रामेश्वर शुक्ल अंचल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने चयन किया है। वे छायावाद युग के उत्तरार्ध के कवि हैं रामेश्वर शुक्लंचल, जबकि हरिवंश राय बच्चन को हिंदी साहित्य में हालाबाद का प्रवर्तक माना जाता है और सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, तो जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 दिया गया है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह बताना है, 416 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? बताइएगा, क्वासी है, रश्मि रेखा है, उर्मिला है, कुमकुम है, 16 में बताना है, चयन करिएगा। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा माना जाता है? तो 16 में आप सभी का सही आंसर है वह माना जाता है कुमकुम, विकल्प नंबर डी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कुमकुम आप सभी का सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, जो कि 1939 में प्रकाशित हुआ था। इसके अतिरिक्त नवीन के इनके अन्य जो काव्य ग्रंथ माने जाते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन जी के, उसमें उर्मिला है, आपलक है, रश्मि रेखा, क्वासी, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है 17, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता लिखी है, किन्होंने लिखी है? माखनलाल चतुर्वेदी ने, राम नरेश त्रिपाठी ने, रत्नाकर ने, नवीन ने, किन्होंने लिखी है? अनिल जी, पार्वती जी, अर्चना जी, संजू जी, सरिता जी, सभी के कमेंट यहाँ पर देख रहे हैं और आप सभी का सही आंसर आ रहा है माखनलाल चतुर्वेदी, इन्हीं की जो है प्रसिद्ध कविता मानी जाती है पुष्प की अभिलाषा, विकल्प नंबर एक आप सभी का सही आंसर। एक भारतीय उपनाम से प्रसिद्ध है माखनलाल चतुर्वेदी और राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि माने जाते हैं माखनलाल चतुर्वेदी, इनकी रचनाएं महत्वपूर्ण है। इनकी रचनाएं पुष्प की अभिलाषा, हिमकृटनी, हिमतरंगिनी, माता, समर्पण आदि इनकी जो है महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। मौर्य विजय किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 418 दिया गया है, बताइएगा, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे या इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर 418वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मौर्य विजय किसकी रचना मानी जाती है और 18 में आप सभी का सही आंसर होगा, ये रचना मानी जाती है सियाराम शरण गुप्त की। सिया रामचरण गुप्त आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर। इनकी अन्य रचना पाथे है, गोपिका है, बापू है, अनाथ है, आद्रा है, विषाद आदि इनकी महत्वपूर्ण रचना है और अंतिम आकांक्षा नारी गोद इनके उपन्यास माने जाते हैं सिया रामचरण गुप्त जी के। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर दिया गया है, छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसे मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच था, इन पंक्तियों के लेखक कौन है? 19 में आप सभी लोग चयन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 419 यहाँ पर दिया गया है और 419 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर?
आप सभी का यहाँ पर सही आंसर चयन करना है, सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में। विकल्प नंबर आप सभी का सी सही आंसर है, रामस्वरूप चतुर्वेदी, जिन्होंने भी सी वाला विकल्प चयन किया है उनका सही आंसर होगा बिल्कुल सही। उपर्युक्त पंक्तियां जो है, रामस्वरूप चतुर्वेदी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित विकल्पों में से किनका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है, बताइएगा, सिपाही, आद्रा, दैनिकी, अपुष्प की अभिलाषा। इनमें से आपके लिए सही आंसर चयन करना है। कूट दिए गए हैं, कूट की सहायता से आप सभी लोग बताएंगे। दीपक जी, अनीता जी, बताइए किनका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है, ये रचना यहाँ पर दी गई है और आप सभी का सही आंसर है। क्या है सही आंसर 20 में? विकल्प नंबर 20 सही आंसर होगा कूट में, यानी कि 1 और 4 आपका सही आंसर है, सिपाही और पुष्प की अभिलाषा। ये जो है दोनों जो रचनाएं इन्हीं की मानी जाती हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं मानी जाती हैं और आद्रा और दैनिकी तो जो है सियाराम शरण गुप्त जी की रचनाएं मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा 21वां क्वेश्चन है कि हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसा नल, उपर्युक्त ध्येय वाक्य का संबंध किस काव्य रचना से है, क्वेश्चन नंबर 421 में आप सभी के लिए चयन करना है, बताइए। हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसा नल, उपर्युक्त ध्येय वाक्य का संबंध किस काव्य रचना से है, कुरुक्षेत्र, जयद्रथ वध, उन्मुक्त या फिर अशोक की चिंता। तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी सही आंसर होगा, उन्मुक्त आपका सही आंसर होगा बिल्कुल सही। उन्मुक्त जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से कवि उत्तर छायावाद से संबंधित हैं, वह कवि आपके लिए बताना, राम नरेश त्रिपाठी, रामेश्वर शुक्ल अंचल, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भारत भूषण अग्रवाल, बताइए। सभी लोग चयन करेंगे कौन कौन से कवि उत्तर छायावाद से संबंधित हैं, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 22वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 22 में, विकल्प नंबर सी सही आंसर है, यानी कि सी में बी और सी, बी में रामेश्वर शुक्लांचल और बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये दोनों आप सभी का बिल्कुल सही आंसरों का उत्तर छायावाद से संबंधित है। राम नरेश त्रिपाठी द्विवेदी मंडल के बाहर और दूसरे स्वच्छंदतावादी कवि हैं। भारत भूषण अग्रवाल ये प्रयोगवादी कवि माने जाते हैं, भारत भूषण अग्रवाल। 23वां क्वेश्चन है कि छायावाद तत्वता प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, ए जय घोष है, ए जय घोष है आप सभी के लिए, यह उद्घोष है किसका, महादेव वर्मा या नंद दुलारी वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद या रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 23 में आपके लिए चयन करना है, सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि सभी लोग इस क्लास से जुड़ जाएं। दिव्यांशु जी, हरिकेश जी, जानवी जी, छायावाद तत्वता प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उद्घोष किसका माना जाता है, तो आप सभी का सही आंसर है महादेवी वर्मा, विकल्प नंबर ए वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, महादेवी वर्मा आप सभी का सही आंसर है बिल्कुल सही। जबकि नंद दुलारी वाजपेयी लिखते हैं कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म में किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। और जयशंकर प्रसाद लिखते हैं, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया जाता है। जबकि लिखते हैं रामविलास शर्मा जी कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, वरन थोती नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका दिया गया है, कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 24, नौका विहार कविता में गंगा की लहरों के बीच चांद के प्रतिबिंब के लिए किस प्रकार की नायिका का उल्लेख है, ये आपके लिए बताना है, क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर दिया गया है, क्या होगा सही आंसर। पंकज जी, वंदना जी, रमेश जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, नौका विहार कविता में गंगा की लहरों के बीच चांद के प्रतिबिंब के लिए किस प्रकार की नायिका का उल्लेख है, तो आप सभी का सही आंसर है मुग्धा, मुग्धा आपका यहाँ पर सही आंसरों का विकल्प नंबर एक, जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। कामायनी में मनु ने श्रद्धा को क्या कहकर संबोधित किया है, तरंगों से फेंकी मणि या फिर करुणा में सुंदर मौन
हृदय की अनुकृति, बसंती के दूत, प्रथम कवि का सुंदर छद। 25 में आप सभी के लिए चयन करना है, 25 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर। कामायनी में मनु ने श्रद्धा को क्या कहकर संबोधित किया है, 25वां क्वेश्चन यहां पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर होगा यहां पर विकल्प नंबर डी होगा सही आंसर, बसंत के दूत यहां पर सही आंसर है। बसंत के दूत आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर जिन्होंने भी यहां पर बी डी चयन किया है उनका सही आंसर है। यहां पर नौका विहार कविता में गंगा की लहरों के बीच चांद के प्रतिबिंब के लिए किस प्रकार की नायिका का उल्लेख है, तो यहाँ पर देखिए नौका विहार कविता में गंगा की लहरों के बीच चांद के प्रतिबिंब के लिए मुग्धा नायिका का उल्लेख है। नौका विहार कविता पंत जी की मानी जाती है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा विकल्प, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पर 26वां क्वेश्चन है। कामायनी में प्रारंभ से लेकर वासना तक सर्गों का सही क्रम आपके लिए बताना है, कौन सा माना जाता है बताइए। कामायनी के सर्ग कई बार अपन ने पढ़े हैं, क्रम से जो है पूछे जाते हैं, तो भाई पूछ लिया गया। गीता जी यहां पर क्वेश्चन, तनु जी बताइए। कामायनी में प्रारंभ से लेकर वासना तक के सर्गों का सही क्रम बताना है, यहां पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 26वां क्वेश्चन है और 26 में आप सभी का सही आंसर है। वासना तक के सर्गों को बताने तो चिंता, काम, श्रद्धा, आशा, वासना आप सभी का डी वाला होगा सही आंसर, डी वाला। कामायनी में प्रारंभ से लेकर वासना तक के सर्गों का सही क्रम होगा चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा। इस प्रकार जो है ये आपके सही आंसर है। कामायनी महाकाव्य प्रसाद जी का, जिसको शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। और अभी पढ़ा था अपन ने प्रसाद जी जो है प्रेम और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 दिया गया है, देखिएगा 27वां क्वेश्चन है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा किन दो कविताओं का सार तत्व है बताइए। 27 में आप सभी के लिए चयन करना है। चयन करिएगा, सॉरी यहां पर आपका ये गलत हो गया है। चिंता आशा, हाँ बिल्कुल सही, चिंता आशा यहाँ पर सी वाला जो है सही आंसर। यहाँ पर चिंता आशा श्रद्धा काम वासना लज्जा, ये सी वाला जो है डी यहाँ पर लग गया, यहाँ पर सी होगा सही आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर इसमें सही आंसर बताना है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व है बताइए। हाँ मंजू जी बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 27 में आप सभी लोग चयन करिएगा क्या होगा सही आंसर। 27वां क्वेश्चन है तो विकल्प नंबर यहाँ पर होगा 5वां विकल्प सही आंसर है, तुलसीदास और सरोज स्मृति। तुलसीदास और सरोज स्मृति आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। इन्हें दो कविताओं का सार तत्व है राम की शक्ति पूजा में। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निरालक्र शाम की शक्ति पूजा लंबी कविता का उपजीव्य बांग्ला ग्रंथ कृतिवास रामायण है। और निरालक्र तुलसीदास 101 छंदों में रचित एक खंड काव्य माना जाता है। और इस सरोज स्मृति को हिंदी का प्रथम शोक गीत माना जाता है। कामायनी में श्रद्धा किस गोत्र की है ये आपके लिए बताना है बताइएगा। लज्जा, निर्वेद, काम, आनंद या फिर आशा। प्रवीण जी चयन करिएगा क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर दिया गया है, 28 में आप सभी के लिए चयन करना है। कामायनी में श्रद्धा किस गोत्र की है, किस गोत्र की ये पूछा गया है, तो 28 में आपका काम यहाँ पर सही आंसर होगा। काम आप सभी का सही आंसर है, बिल्कुल सही, सी वाला विकल्प है। कामायनी में श्रद्धा काम गोत्र की है। छांदोग्य उपनिषद में मनु और श्रद्धा की भावमूलक व्याख्या मिलती है। श्रद्धा वाले सूक्त में सायण ने श्रद्धा का परिचय देते हुए लिखा है कि काम गोत्र जा श्रद्धा नामर्षिका, अर्थात काम गोत्र की बालिका है, इसलिए श्रद्धा नाम के साथ उसे कामायनी भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद ने पौराणिक कथा को लेकर कामायनी की रचना की है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन सी छायावादी शैली की प्रमुख विशेषता नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आप सभी का 29वां क्वेश्चन है, 29 में आप सभी का होगा सही आंसर। गीति प्रधानता, लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता, तत्सम बहुलता, इति वृत्तात्मकता नहीं पूछा गया है।
तो नहीं में, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर आपका ई वाला जो है वह सही आंसर है, इति वृत्तात्मकता। पांचवा विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। इति वृत्तात्मकता चायवादी शैली की प्रमुख विशेषता नहीं है, ये मानी जाती है द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता। इति वृत्तात्मकता महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तीसवा क्वेश्चन है, किस विकल्प में रचना और उसका प्रकाशन सही नहीं है। जूही की कली निराला 1916, युगांत पंत की रचना 1936, कामायनी प्रसाद की रचना 1938, यामा माधवी वर्मा की रचना 1940, बताइए। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर, आप सभी का यहाँ पर सी सही आंसर है, यानी कि कामायनी प्रसाद की रचना 1938, ये आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। क्योंकि कामायनी 1935 इसका प्रकाशन माना जाता है। छायावाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? छायावादी कवियों ने प्रधान रूप से प्रणय की अनुभूतियों को व्यक्त किया है, या छायावादी भावबोध स्वानुभूति और सौंदर्य प्रधान कल्पना द्वारा निर्मित हुआ है? छायावादी कवि निराला की अनुभूति शैव दर्शन में परिणत होती चली जाती है, या छायावादी कविता द्विवेदी युगीन नीरस उपदेशात्मक और स्थूल आदर्शवादी काव्यधारा की रुद्र विद्रोह के रूप में प्रवाहित हुई? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, छायावाद के संबंध में संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिएगा, छायावादी कवियों ने प्रधान रूप से प्रणय की अनुभूतियों को व्यक्त किया है, ये कथन आपका असत्य हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर दिया गया है, छायावाद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर भी गलत बताना है, बताइएगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और क्वेश्चन नंबर 32 है, 32 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर, बताइएगा, चयन करिएगा। छायावाद के संबंध में असत्य कथन बताना है, तो 32 का आप सभी का सही आंसर है सी वाला विकल्प। छायावाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के एक प्रमुख कवि राधा कृष्ण दास हैं, ये वाला आपका सही आंसर होगा, राधा कृष्ण दास, ये कथन गलत है। राधा कृष्ण दास तो भारतेंदु युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं, तो इस कारण ये जो है कथन कैसा है, गलत है। दुखी ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही, उपर्युक्त पंक्तियां किस कविता से ली गई है? तोड़ती पत्थर, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, जूही की कली, क्या होगा आपका 33 में सही आंसर? 433वां क्वेश्चन यहां पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर क्या है, सभी से बन जाएगा सरल क्वेश्चन है, दुखी ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो आज नहीं कही, तो आप सभी का यहां पर सही आंसर है सरोज स्मृति। विकल्प नंबर आप सभी का यहां पर क्या होगा सही आंसर, सी वाला लवली जी, बिल्कुल सही आंसर है, निराला कृत सरोज स्मृति से पंक्तियां ली गई है। सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत माना जाता है। राम की शक्ति पूजा, जूही की कली, तोड़ती पत्थर, वृक्ष, पंचवटी प्रसंग, बादल राग, निराला जी की रचनाएं मानी जाती है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 34 में चयन करना है, बताइएगा, सुमित्रा नंदन पंत, निराला, महादेव वर्मा, दुष्यंत कुमार, क्या होगा सही आंसर? कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये कहा है किन्होंने? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर एक, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत ने। सुमित्रा नंदन पंत आप सभी का सही आंसर है, बिल्कुल सही। ग्रंथि, गुंजन, युगांत जो है, ग्राम्या, स्वर्णकरण, स्वर्णधूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन ने किस छंद का प्रयोग किया है? दोहा, या फिर चौपदे, या फिर सोनेट, रुमाइया, क्या है सही आंसर? संजू जी और नीलम जी, नारा जी और टमाटर जी, क्या होगा सही आंसर? मधुशाला जो कि महत्वपूर्ण रचना है हरिवंश राय बच्चन जी की, किस छंद का प्रयोग किया है ये बताना है, तो रुबाइयां आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। रुबाइयां आपका विकल्प नंबर डी वाला जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। रुबाइयां चार पंक्तियों की एक कविता है, जिसकी पहली दो और चौथी पंक्तियां तुकात्मक होती हैं और तीसरी लाइन आजाद रखी जा सकती है। रुबाइयों का अपना एक छंद होता है। द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य की रचयिता कौन है? द्रौपदी।
बताइएगा, ये प्रबंध काव्य है एक, और एक नाटक भी है जो कि सुरेंद्र वर्मा का माना जाता है वह नाटक। यहाँ पर प्रबंध काव्य पूछा है नरेंद्र शर्मा, शंभुनाथ सह, प्रभाकर माचवे, धर्मवीर भारती। 36 में आपका सही आंसर क्या होगा? मिथिलेश जी, प्रियंका जी, आप सभी का सही आंसर है 36 में, विकल्प नंबर एक होगा सही आंसर, नरेंद्र शर्मा होगा सही आंसर, विकल्प नंबर ए वाला जिन्होंने भी चयन किया है, नरेंद्र शर्मा आप सभी का सही आंसर होगा। इनके अन्य काव्य हैं प्रभात फेरी, पलाश वन, अग्नि सस्य और रक्त चंदन, मिट्टी व फूल, प्रवासी के गीत आदि। सुमित्रा नंदन पंत की निम्नलिखित में से किस रचना पर महर्षि अरविंद का प्रभाव देखने को मिलता है? मन की स्वप्न, ताज, स्वर्णकिरण या फिर नारी? 437 में चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? हाँ हर्षिता जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, स्वर्ण किरण होगा सही आंसर। सुमित्रा नंदन पंत की स्वर्ण किरण रचना पर महर्षि अरविंद का प्रभाव देखने को मिलता है, तो सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। रचनाओं को रचनाकारों के अनुसार यहाँ पर उनके साथ सम्मिलित करना है, ये यहाँ पर कूट भी दिए गए हैं, इन कूट की सहायता से सम्मिलित करना है। चलिए एक बार इनको देख ले, कूट को सम्मिलित कर देते हैं। प्रेम पथिक के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो प्रेम पथिक तो जो है जयशंकर प्रसाद की रचना मानी जाती है। गीतिका किन की रचना मानी जाती है? निराला जी की। निराले गीत जो है अपन ने याद किया था, निराले गीत गूंज रहे, तो निराला जी की रचना। सांध गीत महादेवी वर्मा की रचना, जिन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। गुंजन मानी जाती है पंत जी की रचना। इस प्रकार यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। आगे 39वां क्वेश्चन क्या दिया गया है देखिए, प्रसाद जी ने अपनी किस रचना में आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की भूमिका बनाकर दी है? बताइएगा आंसू, लहर, कामायनी या फिर झरना? 39वां क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, 39 में क्या होगा सही आंसर? प्रमोद जी, सभी लोग बताइए, प्रसाद जी ने अपनी किस रचना में आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता की ऊपरी आभास के साथ कल्पना की भूमिका बनाकर दी है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, यहाँ पर विकल्प नंबर सी सही आंसर है, कामायनी। कामायनी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। किस धारा का काव्य भौतिक तथा आध्यात्मिक के द्वैत और संघर्ष की ज्वलंत आधुनिक समस्या से जूझने का प्रयास है? क्वेश्चन नंबर 440 है और 440 में बताना है, बताइए। 440 में नई कविता, प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद, तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि छायावाद यहाँ पर सही आंसर होगा। छायावाद आपका सही आंसर है। छायावाद धारा का काव्य भौतिक तथा आध्यात्मिक द्वैत और संघर्ष की ज्वलंत आधुनिक समस्या से जूझने का प्रयास है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, पंत, महादेव वर्मा या फिर प्रसाद? आस्था जी चयन करिएगा, सुहानी जी, आनंद जी, क्या होगा सही आंसर? काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह कथन किसका माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 441 है और 441 में आप सभी का सही आंसर होगा, जयशंकर प्रसाद, विकल्प नंबर डी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सुमित्रा नंदन पंत लिखते हैं, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। महादेव वर्मा लिखते हैं, कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसी भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, पंत जी की काव्यकृति नहीं बताना है, कौन सी नहीं है? दीपशिखा नहीं है, ग्राम्या नहीं है, युगांत नहीं है, पल्लव नहीं है। 42 में चयन करिएगा। राकेश जी, साधना जी, क्या होगा सही आंसर? अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर? पंत जी की काव्य कृति नहीं है, तो दीपशिखा आप सभी का जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। महादेव वर्मा की काव्य कृति मानी जाती है दीपशिखा, जबकि ग्राम्या, युगांत, पल्लव, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। कामायनी में कौन सा सर्ग नहीं है? लोभ, श्रद्धा, चिंता, आनंद नहीं पूछा गया है। कामायनी में 15 सर्ग हैं और क्या होगा सही आंसर बताइए।
रजमान जी। अनिल जी बिल्कुल, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। जब जॉब मिल जाएगा तो फिर त्याग पत्र देने की क्या जरूरत है उसी दिन भैया। अनिल जी मिलेगी तो फिर अपन जो है पूरी करेंगे जितने भी टाइम रहती है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 दिया गया है, कामायनी में कौन सा सर्ग नहीं है। अब आपके लिए क्या जरूरत, आपके तो पेट्रोल पंप खुले हैं अनिल जी। कामायनी में कौन सा सर्ग नहीं है, लोभ, श्रद्धा, चिंता या फिर आनंद, तभी आप जो है एक दिन के लिए बोल रहे हो। तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर ए वाला जो है भाई आपका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, छायावाद के भ्रम में कहे जाने वाले प्रसाद द्वारा रचित कामायनी में 15 सर्ग हैं, लोभ जो है कामायनी का सर्ग नहीं है। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। महादेव वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र नहीं है, अतीत के चलचित्र, स्मरण और श्रद्धांजलियां, पथ के साथी या फिर स्मृति की रेखाएं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 444 है, और 444 में क्या होगा सही आंसर। और हाँ टमाटर जी बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन नंबर 444 में आपके लिए चयन करना है, महादेव वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र नहीं है, तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। बिल्कुल सही, बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, संस्मरणात्मक और श्रद्धांजलियां, बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। बहुत बढ़िया। सुमित्रा नंदन पंत विरचित ग्राम्या तथा युगवाणी किस विचार की रचनाएं हैं बताइए। चयन करिएगा प्रयोगवादी, राष्ट्रवादी, छायावादी, प्रगतिवादी। 445 वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, और आप सभी का क्या होगा सही आंसर। और आप सभी का सही आंसर आ रहा है यहाँ पर अनिल जी बिल्कुल, सुमित्रा नंदन पंत विरचित ग्राम्या तथा युगवाणी किस विचार की रचनाएं हैं, तो ये प्रगतिवादी मानी जाती है। विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, डी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। देखिए पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है, और पंत विरचित पल्लव कविता की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र यानी कि मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं, तो ये तो अब भी अपन ने पढ़ा, 46वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। पंत जी की सॉरी, ये कामायनी जो रचना है, कामायनी में 15 सर्ग हैं। बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया। इनको एक बार देख लेते हैं, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। कामायनी में आय पात्र उनके प्रतीक हैं, मनु मन का, श्रद्धा हृदय का, ईड़ा बुद्धि का और कुमार मानव का प्रतीक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है। एक भारतीय आत्मा के नाम से देखिएगा, कितने सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, और आप सभी का क्या होगा सही आंसर। एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है किनको, तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, सी वाला विकल्प, माखन लाल चतुर्वेदी जी को। माखन लाल चतुर्वेदी आप सभी का सही आंसर है, एक भारतीय आत्मा के नाम से इनको जाना जाता है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है, बालकृष्ण शर्मा को राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं, और रामधारी सिंह दिनकर जो है इन्हें अधैर्य का कवि कहा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी को इनकी कविता पुष्प की अभिलाषा लिखने पर एक भारतीय आत्मा कहा जाने लगा। इन्होंने प्रभा और कर्मवीर और प्रताप पत्रिकाओं का संपादन किया है, कर्मवीर का तो जबलपुर में किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन 48 से दिया गया है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान की रचनाकार कौन माने जाते हैं। 448 में आप सभी के लिए चयन करना है बताइए। राम नरेश त्रिपाठी हैं, हरिवंश राय बच्चन हैं, महादेव वर्मा हैं, पंत हैं। 448 में चयन करना है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान की रचनाकार कौन है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत माने जाते हैं। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर डी जो है वह आपका सही आंसर होगा, सुमित्रा नंदन पंत। पराधीन रहकर अपना सुख शोक ना सह सकता है, राम नरेश त्रिपाठी जी की पंक्तियां हैं। मैं अधर में
हे अधर में रस मुझे मदहोश कर दो, ये पंक्तियां हरिवंश राय बच्चन की मानी जाती हैं। गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, महादेवी वर्मा की पंक्तियां मानी जाती हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पंत की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम यहाँ पर चयन करिएगा। कौन सा अनुक्रम 449 में सही आंसर होगा? 449 में चयन करना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पंत की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम आपके लिए बताना है, तो 49 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर? विकल्प नंबर एक सही आंसर है, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी और स्वर्ण धूलि। विकल्प नंबर ए आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पर आपके लिए प्रकाशन वर्ष बता दें, ग्रंथि 1920 की मानी जाती है। तो वही बात करें यहाँ पर, गुंजन 1932, युगांत 1936, युगवाणी 1939 और स्वर्ण धूलि 1947। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 दिया गया, छायावादी काव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है बताइए। चयन करिएगा, रहस्यवाद इसका प्रमुख अंग है। इसमें वेदना के आधार पर सहानुभूति के अभिव्यक्ति को प्राथमिकता दी गई है। ध्वन्यात्मकता और लाक्षणिकता भी इसका एक प्रमुख घटक है। इसमें रीतिकालीन और द्विवेदीकालीन कविताओं से भिन्न प्रकार की भावों की नई ढंग से अभिव्यक्ति हुई है। छायावादी काव्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 50 में आप सभी का सही आंसर है सी, ध्वन्यात्मकता और लाक्षणिकता भी इसका एक प्रमुख घटक है। ये कथन सही नहीं है। बिल्कुल सही आंसर है, ध्वन्यात्मक और लाक्षणिकता भी इसका एक प्रमुख घटक है। छायावाद के संबंध में ये कथन सही नहीं है। इसमें वेदना के आधार पर सहानुभूति के अभिव्यक्ति को प्राथमिकता दी गई है। रहस्यवाद इसका प्रमुख अंग है। इसमें रीतिकालीन और द्विवेदी युगीन कविताओं से भिन्न प्रकार के भावों की नए ढंग से अभिव्यक्ति हुई है। ये कथन बाकी के सत्य है। तो यहाँ पर आज के क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन है, क्योंकि आगे इसके आगे जो है पीडीएफ नहीं बनाई है, इतने ही क्वेश्चन की बनी थी। तो कोई बात नहीं, कल अपन पढ़ेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चैनल से जुड़े रहना है, रोज आपके लिए क्लासें लाई जाती हैं। एक सुबह 9 बजे होती है, एक 2 बजे क्लास होती है, एक 4 बजे, एक 8 बजे, एक फिर ये 10 बजे, 5 फ्री लाइव क्लास हैं आपके लिए लाई जा रही हैं। सभी से जुड़िएगा। हिंदी साहित्य में टॉप 3000 प्रश्न की पीडीएफ जिनके लिए भी चाहिए हो, मात्र 199 रुपये की है। और 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय की पीडीएफ 299 रुपये की है। ये सभी पीडीएफ आपके लिए मिल जाएंगी, जिनके लिए भी चाहिए हो संपर्क कर लें। दोनों पीडीएफ 500 की, अगर आप साथ में लेते हैं तो 400 में मिल जाएंगी। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर लें, नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, संपर्क कर लेंगे सभी लोग जिनके लिए भी चाहिए हो पीडीएफ। शिवानी जी, दीपक जी, सुनैना जी, कंचन जी, प्रियंका जी, नीता जी, अनिल जी, टमाटर जी, प्रवीण जी, राहुल जी, बिंदु जी, संजू जी, पूर्वी जी और आस्था जी, दीपक जी, कल्पना जी, पार्वती जी, जानवी जी, तनु जी, लवली ठाकुर जी, मंजू जी, हरिकेश जी, दीपक जी, वंदना जी, पायल रानी जी, शिवानी जी, आनंद जी, रेणु जी और प्रीति जी, मेधा जी, पंकज जी, कंचन जी, नीलम जी, विशाल जी, वंदना जी और हरिकेश जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीतू जी, मेधा जी और राजमन जी, MS वर्मा जी, राहुल जी, विशाल जी, साधना जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। बिल्कुल अनिल जी, साथ हैं हम आपके अनिल जी। बिल्कुल, तब तक आपकी जो परीक्षा नहीं होगी तब तक हिंदी साहित्य इसी तरह जो है अपना चलता रहेगा। प्रवीण जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। पूर्वी सेन जी, मिलते हैं अगली क्लास में। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।